नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आज एमपी के खंडवा के पास ओमकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की भव्य प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। ओमकारेश्वर आदि शंकराचार्य की ज्ञान स्थली है, लिहाजा यहां उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। खंडवा जिले में नर्मदा नदी किनारे स्थित ओमकारेश्वर मंदिरों का शहर कहा जाता है। भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिवलिंग ममलेश्वर ओमकारेश्वर में स्थित है। ये विशाल प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे सुरम्य मांधाता पहाड़ी के ऊपर स्थित है। 8वीं शताब्दी के दार्शनिक व हिंदू धर्म में प्रतिष्ठित शंकराचार्य की इस 108 फुट ऊंची प्रतिमा का नाम एकात्मता की प्रतिमा रखा गया है। एकात्म धाम में प्रतिमा के साथ एक संग्रहालय भी बनाया जा रहा है, जो पुराने मंदिरों की स्थापत्य शैली की तर्ज पर होगा। ये तीर्थ आचार्य के सिद्धांत को समझाने और साझा करने के केंद्र के तौर पर विकसित होगा। सर्वलोकैकवन्द्यं भजे देशिकेन्द्रं श्रीशङ्कराचार्यवर्यम् श्रीशङ्कराचार्यवर्यम् सर्वदा पापहामोघबोधप्रदन्तं श्रीशङ्कराचार्यवर्यम् राजाभिपूज्यम् रम्यशृङ्गाद्रिवासैकलोयन्यतीर्यं राकेन्दुसङ्काशवक्त्रं रत्नगर्भे भवक्त्राङ्घ्रिपूजानुरक्तं श्रीशङ्कराचार्य। तो ये तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो यज्ञ पूजन कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में जो है वो मूर्ति का अनावरण जो है वो करेंगे। तो आज का दिन अपने आप में बेहद खास है। ओमकारेश्वर में जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। तो 28 एकड़ में बना ये एकात्म धाम परिसर जो है, इसमें जो लागत है वो करीब करीब जो है वो, तो ये तीर्थ आचार्य के सिद्धांत को समझाने और साझा करने के केंद्र के तौर पर विकसित होगा। तो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा बेहद भव्य और विराट है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 108 फीट ऊंची आदि गुरु शंकराचार्य की जो प्रतिमा है ये अपने आप में बेहद भव्य है। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, यज्ञ चल रहा है, स्टैच्यू ऑफ वननेस का जो है वो इसे नाम दिया गया है। और वहीं इस दिन को खास बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और ये किसी जश्न से कम नहीं है। तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो यज्ञ कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में जो है काफी साधु संत आप देख सकते हैं जो यहां यज्ञ के लिए पहुंचे हैं। और तीसरी तस्वीर जो है वो 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। तो हमारे साथ इस पे बात करने के लिए जो है महाराज जी जुड़ रहे हैं, महाराज चंद्रांशु जी महाराज जो हमसे जुड़ रहे हैं। महाराज, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आज का दिन जो है अपने आप में बेहद खास है। 108 फीट ऊंची आदि गुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसका कुछ ही देर में अनावरण होने वाला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है खुद वहां मौजूद है और जो है यज्ञ चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक स्वर्णिम युग चल रहा है, एक एक ऐसे युग को देख पा रहे हैं जो भारत की मूल विरासत को सजो करके आगे बढ़ रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान शंकर भगवान के अवतार माने जाते हैं और शैव संप्रदाय के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। और आत्मसात के लिए जो उन्होंने एक संदेश दिया, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम तत्त्वमसि, जो है परमात्मा है वह हम है, हम दोनों अभिन्न हैं। जो परमात्मा जीवात्मा के बीच के अभिन्न एक रूप को स्थापित किया लोक में, उसके प्रवर्तक है शंकराचार्य जी भगवान। शंकराचार्य जी भगवान के आज 108 फुट मूर्ति का आवरण हो रहा है। आपने जैसा बताया कि वहां पर स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित हैं, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार को और
संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत बधाई है। हमारे आचार्यों को जो सम्मान मिल रहा है, उनकी कीर्ति स्थापित हो रही है, और उन्होंने राष्ट्रहित में, समाज हित में जो कुछ किया है, आज उनको उस रूप में देखा जा रहा है, स्वीकारिता हो रही है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। जी महाराज जी, महाराज जी आपसे जानना चाहूंगी कि इस एकात्म धाम का मतलब क्या होता है। ओंकारेश्वर में जो स्थित है शंकराचार्य का जो एकात्म धाम है, इस एकात्म धाम का जरा मतलब हमारे दर्शकों को समझाइए। एक 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 एकात्म धाम का मतलब वही है जो अभी मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर अनेक मत हैं, पंथ हैं, परंतु सबकी जो मूल अवधारणा है वो है एक ही है। कोई भी यहाँ पर मत है, संप्रदाय है, उसकी उसकी लास्ट उपासना जो है, लास्ट गंतव्य जो है, वो भगवत प्राप्ति है, भगवत शरणापन्न है। वैसे ही भगवत गीता में भगवान ने कहा कि जैसे जितनी भी नदियां हैं वो जब तक समुद्र में समाहित नहीं होती तब तक चलना बंद नहीं होता, ऐसे ही जीवात्मा के लिए हमारे सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में है कि वह जीवात्मा तब तक चलता रहता है जब तक परमात्मा रूपी महासागर में जाकर के समाहित नहीं हो जाता। एकात्म धाम कहने का मतलब है, एकात्म का ही मतलब वही है कि तत्त्वमसि, जो वह परमात्मा है, हम दो नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। जो है परमात्मा है वह मैं हूं, चिदानंद रूपम शिवम शिवोहम शिवोहम, वो जो वो परमात्मा है वही मैं हूं। एकात्म का मतलब हम दो नहीं है, हम एक ही हैं, इसका यही संदेश है। हम सब वसुधैव कुटुंबकम भावना से जो मान करके चलते हैं कि हम दो अलग अलग नहीं है, जितने भी प्राणी हैं हम सब एक हैं, हम सब एक परिवार हैं, उसी परमात्मा के अंश हैं, हम एक ही हैं, बस वही है उसका मतलब। जी जी महाराज जी, एक और सवाल मेरे मन में है जो मैं आपसे जानना चाहूंगी। जो कहानी बहुत प्रचलित है कि जब आदिगुरु शंकराचार्य जो हैं वो अपने घर से निकले थे, वो इकलौते पुत्र थे अपनी माँ के, और उन्होंने जब ये सवाल किया था कि उन्हें सन्यासी बनना है और उनकी माँ ने साफ इनकार कर दिया था, उस वक्त जो है एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया था और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि अगर आप चाहती हैं कि मैं बच जाऊं और ये मगरमच्छ मेरा पैर छोड़ दे तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। इस कथा में कितना सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है, और ये बिल्कुल सत्य है, ऐसी घटना हुई है, ये किंवदंती नहीं, रियल है। और उन्होंने अपने लिए तो संन्यास स्वीकार ही किया, आगे के भी आपको पता है कि मंडन शास्त्री से उनका शास्त्रार्थ हुआ, और उनकी पत्नी से एक विषय पर लेकर के वो पराजित होते हैं, तो बाद में फिर स्त्री गर्भ में भी वो प्रवेश करते हैं, फिर उसका स्त्री स्वरूप को लेकर के, फिर उसका ज्ञान करके, फिर मंडन शास्त्री के धर्म पत्नी से शास्त्रार्थ करके वो दिग्विजयी होते हैं, स्थापित होते हैं। और इसी काशी के अंदर एक तंत्रोटक नाम के कोई सिद्ध महापुरुष होते हैं, जन्म लेने के बाद तंत्रोटक कभी बोलते ही नहीं है, जैसे शंकराचार्य जी के जीवन में आया वैसे तंत्रोटक जी के जीवन में भी आया। जब शंकराचार्य जी काशी विश्वनाथ पहुंचते हैं और उनके उस तंत्रोटक के माता पिता को पता चलता है, तो शंकराचार्य भगवान के पास में जाते हैं और अपने पुत्र के मौन रहने पर, कभी ना बोलने पर प्रश्न करते हैं कि मेरा बेटा मौन ही रहेगा, बोलेगा नहीं कुछ क्या? तो उन्होंने वही शर्त रखा जो अपनी माता के सामने रखा था। उन्होंने कहा अगर इस तंत्रोटक को आप संन्यास धारण करवाने के लिए अनुमति देते हैं, राष्ट्र कल्याण के लिए आप भेजते हैं, आत्म कल्याण के लिए भेजते हैं, तो ये बोलने लगेगा। और फिर उन्होंने उससे पूछा कि कोष्ठी तुम कौन हो, तब उस तंत्रोटक ने वही उत्तर दिया जो मूलभूत सिद्धांत शंकराचार्य जी भगवान का। उसने कहा कि हम आत्मा नहीं है, हम कोई मतलब जीवात्मा नहीं है, कोई हम शरीर नहीं है, हम वही हैं जो परमात्मा की अंश हैं। तो जो उनकी मूलभूत अवधारणा तंत्रोटक को जब माता पिता ने समर्पित कर दिया तो ही तंत्रोटक शंकराचार्य जी भगवान के कहने पर बोले। तो निश्चित तौर पर उनका मूलभूत जो सिद्धांत आप कह रही हैं वो किंवदंती नहीं है, वो यथावत सत्य है। जी जी महाराज जी, तो 12 वर्ष की आयु में शास्त्र के प्रकांड पंडित बनकर 4 साल बाद शताधिक ग्रंथों की जो है आदिगुरु शंकराचार्य ने रचना की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आचार्य जो होते हैं ना वो कोई सामान्य नहीं होते। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा आचार्यम माम बिजानियात, जो आचार्य होता है मेरा अंश ही होता है। तो शंकराचार्य भगवान की उम्र भले 12 वर्ष रही हो पर वह कोई सामान्य नहीं है, वह असामान्य ही थे, वह भगवान के अंश, शिव के अंशावतार ही थे, इसलिए उनके लिए सर्व सामान्य है। हाँ एक अलग बात है कि एक पंथ का, एक मत का प्रचार करने के लिए उन्होंने इतने कम उम्र में स्थापित एक पंथ को स्थापित किया। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत विचित्र बात आप देखेंगी कि चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, दयानंद सरस्वती जी हो या शंकराचार्य भगवान हो, इनकी उम्र ज्यादा दिन की नहीं रही, पर ये जितने दिन भी रहे उतने दिन में कुछ ऐसा करके गए कि कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में, सारे जग में पूजा जाता है। तो इतने कम दिनों में एक इतने बड़े महान मत का, पंथ का उन्होंने
धर्म का एक स्थापना किया जो आज भी अविस्मरणीय है और सनातन संस्कृति हमेशा उसको याद करती रहेगी और उनके चरणों में श्रद्धा बनत होती रहेगी। जी बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने महाराज जी की, हर कोई सनातन धर्म में और हर पंथ में जो है आदिगुरु शंकराचार्य को पूजा जाता है, तो इसी पर चार वेदों की तरह उन्होंने चार मठ यानी पुरी, श्रृंगेरी, शारदा और ज्योतिर्मठ की जो है वो स्थापना की और ओमकारेश्वर में जो है उन्होंने सबसे ज्यादा समय जो है वो बिताया। तो क्या यही वजह है कि यहाँ जो है आज उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है? ये तो बड़ी अद्भुत बात है। ओमकारेश्वर नाथ भगवान जहाँ विराजमान है वो पूरा पर्वत ही ओम के स्वरूप में स्थापित है, आप उसको कई बार देखे भी होंगे। और ओम प्रणव अक्षर है, मूल अक्षर है, सृष्टि का आधारभूत सनातन संस्कृत में उसको स्वीकार किया गया है, इसलिए सर्वाधिक समय जो बीता और ऊर्जा का अगर आज के समय में कहे तो केंद्र बिंदु कहे, एक अलग की प्रतिध्वन। आपने भी देखा होगा तमाम वैज्ञानिकों का, साइंटिस्टों का विचार आया है ओम में एक अलग ऐसी ध्वनि है, एक ऐसा विचार। ओंकारेश्वर ममलेश्वर वहां पर दो स्थापित है, हालांकि जब तक दोनों का दर्शन नहीं करते हैं तब तक दर्शन पूरा नहीं माना जाता है। तो निश्चित तौर पर ओंकारेश्वर में यह होना मतलब प्रणव में मूल में इसकी स्थापना होता, परिकल्पना होता, यह तो अपने आप में महत एक संयोग नहीं, यह प्रभु की कृपा भी और उस शंकराचार्य भगवान की कृपा, शिव की कृपा भी समाहित हम देख रहे हैं कि ओंकारेश्वर में यह पुनीत कार्य, उनका इतने बड़े भव्य मूर्ति का अनावरण हो रहा है। बिल्कुल, और आदिगुरु शंकराचार्य का जो है हमेशा से संदेश रहा है, चाहे दक्षिण से लेकर उत्तर तक हो, कि सबको एक सूत्र में जो है वो बांध के रखने का। चारों मठों का मतलब ही यही था, चारों मठ को देखेंगे तो वो अपने देश के चारों कोनों पर स्थित है, एक एक कोनों को लेकर के मतलब एक जगह से पूरे देश को जोड़ने की ही हिसाब से उन्होंने चारों मठों की स्थापना किया था और चार अपने अपने समान उत्तराधिकारी को उन्होंने समर्पित किया कि हमारी सनातन संस्कृति निरंतर आगे बढ़ती रहे, हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे और हम एकता अखंडता के संदेश को निरंतर बनाते रहे, देते रहे। आजकल तो सबसे बड़ी बात दुर्भाग्यपूर्ण ही कहेंगे, आजकल कितना बड़ा विषय छिड़ा हुआ है, लोग सनातन धर्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, हिंदू धर्म पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, जाति विशेष पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। अगर शंकराचार्य भगवान के अगर सिद्धांतों की बात कहें तो उन्होंने जैसा एक एक छोटी सी पुस्तक है उनकी, उनकी रचना है चरपट पंजरिका स्त्रोत्र, वो लगभग 50-60 श्लोकों का कुछ होगा, वो अपने आप में इतना अद्भुत ग्रंथ है कि एक बार कोई सच्चे मन से शंकराचार्य भगवान के उस उपदेश को पढ़ ले तो जीवन में वो कभी दुखी नहीं हो सकता, निराश नहीं हो सकता और एक उतने मात्र से ही जीवन की कड़वी सच्चाई को वो स्वीकार कर सकता है। उन्होंने क्या नहीं लिखा, क्या उसमें छोड़ा है जो नहीं लिखा हो, परिवार को लेकर के, समाज को लेकर के, देश को लेकर के सब कुछ यथावत लिखा हुआ है। तो निश्चित तौर पर उनका जो भी कर्तृत्व है वह अविस्मरणीय है और सनातन संस्कृति के प्रति जो उनका उपकार है वो कभी चुकाया नहीं जा सकता, उनको जितना उनके प्रति निवेदन। जी महाराज जी, बहुत ही सुंदर बात आपने कही, आप बने रहिए हमारे साथ। और ये सीधे तस्वीरें ओमकारेश्वर से आप देख रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो है वो चौथा स्थान है, जहां नर्मदा नदी के तट पर भगवान ओमकारेश्वर तथा भगवान ममलेश्वर विराजमान है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी तीर्थ करने के उपरांत ओमकारेश्वर तीर्थ पहुंचकर मां नर्मदा नदी के किनारे स्नान कर भगवान ओमकारेश्वर का जलाभिषेक करना अनिवार्य माना जाता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो इस वक्त ओमकारेश्वर में मौजूद है और इससे थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि यज्ञ पूजन हो रहा था। पूजा करने के बाद 108 फीट ऊंची जो ये मूर्ति है इसका अनावरण होगा। आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति आप देख पा रहे हैं। तो ओमकारेश्वर से हमारे संवाददाता रवीश पाल हमसे जुड़े हैं। रवीश, क्या माहौल है, क्या नजारा है, जो तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि इस वक्त ओमकारेश्वर में किसी जश्न से कम नहीं हमें देख रहा है।
बिल्कुल गीतिका, अद्भुत नजारा है इस समय ओमकारेश्वर की हम बात करें, वो इलाका जो आमतौर पर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के लिए जाना जाता है, आज वो सनातन धर्म अध्यात्म का एक बड़ा केंद्र बन गया है। तस्वीरों में अगर हम देखें तो आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये जो प्रक्रिया भी चल रही है इसे कहते क्या है। आपको बताया कि सबसे पहले यहाँ पे जो साधु संत आए हुए थे उनके साथ शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री, और क्योंकि उन्हीं का ये पूरी उनका सपना था, उनकी परिकल्पना थी कि हम यहाँ पर इस तरीके से अध्यात्म का एक बड़ा केंद्र ओमकारेश्वर को विकसित करें, तो उसी के तहत ये जो अद्वैत लोक है इसको दो चरणों में यहाँ बनाने की स्वीकृति मिली। आज जो कार्यक्रम है वो अद्वैत लोक के पहले चरण के उद्घाटन का, लोकार्पण का कार्यक्रम है। पहले चरण में ये जो दुनिया की सबसे बड़ी जगत गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है 108 फीट की अष्ट धातु से बनी हुई, उसका लोकार्पण होना है। इसका जो द्वितीय चरण है वो करीब 2100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला अद्वैत लोक होगा, जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य जी की जो पूरी जीवनी रही है उसे दिखाया जाएगा। यहाँ पे लेजर और साउंड, लाइट एंड साउंड शो होंगे। इसके अलावा तमाम सनातन धर्म को लेकर के, एकात्म मानववाद को लेकर के क्या परिकल्पना थी जगत गुरु शंकराचार्य की, इसके अलावा कैसे उन्होंने केरल से अपनी यात्रा शुरू की थी, वो अपने क्योंकि गुरु को ढूंढते हुए यहाँ पहुँचे थे ओंकारेश्वर में, तो केरल से ओंकारेश्वर, और फिर ओंकारेश्वर के बाद जब वो शंकराचार्य बने, वो जगत गुरु जब कहलाए, तो उन्होंने देश के अलग अलग कोनों पे जाकर के, देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के न केवल सनातन धर्म की एक अलख जगाई, बल्कि उन्होंने कई पीठों की स्थापना भी की, और इसीलिए देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पे जो है साधु संतों को आज न्योता दिया गया है। और पूरी जो परंपरा है, आपको बताएं कि जो शैव परंपरा है उसी के तहत आज ये पूरा लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा है। शैव परंपरा के मुताबिक ही पहले यहाँ पे यज्ञ अनुष्ठान किया गया, उसके बाद शैव नृत्य परंपरा जो है, जो केरल से खासतौर से कलाकार यहाँ पे आए हैं, उनका कार्यक्रम यहाँ रखा गया। और जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी संतों के साथ उस प्रतिमा की तरफ बढ़ रहे थे, तो उस समय भी आपने उन तस्वीरों में देखा होगा कि कैसे शैव परंपरा के तहत नृत्य करते हुए उन सभी का स्वागत किया गया। और अब आपको बताया कि अगला कार्यक्रम यहाँ पे क्या होगा, अगला कार्यक्रम यहाँ पे होगा कि यहाँ से सीधे जो है इस प्रतिमा के ऊपर वो लिफ्ट जो लगी हुई है, उस लिफ्ट के साथ मुख्यमंत्री ऊपर जाएंगे, साधु संत उनके साथ रहेंगे, और वहां पे जाके उस प्रतिमा का लोकार्पण कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ से अलग जो दूसरा एक स्थान तय किया है जहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाषण भी होना, स्पीच होनी है, वहां पे ये सभी लोग जहाँ से चले जाएंगे। तो ये कार्यक्रम करीब आधे घंटे का और यहाँ पे बचा है, और उसके बाद ये प्रथम चरण जो है इस अद्वैत लोक का, ये यहाँ पे संपन्न हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जी जी रवीश, एक सवाल था कि जो एकात्म धाम है, माना जा रहा है कि काफी हाईटेक है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, आपको बताएं कि अभी ये बन के तैयार नहीं हुआ है, हाईटेक जरूर होगा, हम आपको बता दें ये कि हाईटेक जरूर होगा एकात्म धाम जब पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी की हम तस्वीरों की दिखाएं तो अभी सिर्फ ये मूर्ति बन के तैयार हुई है। मूर्ति के आगे का जो दूसरा चरण है उसका आज भूमि पूजन होगा। भूमि पूजन होने के बाद ही जो है यहाँ पे ये पूरे जो दोनों चरण हैं अद्वैत लोक के, एकात्म मानववाद की जो प्रेरणा स्थली है एक तरीके से देखा जाए ओंकारेश्वर, तब जाकर के पूरा होगा। तो जो आपने बात की हाईटेक, तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, लाइट एंड साउंड शो होगा, 3D एक तरीके से नौका विहार होगा, आपको ऐसा अनुभव होगा आप नाव में यहाँ बैठेंगे, यहाँ एक कृत्रिम झील बनाई जाएगी, उसमें नाव में बैठ करके आपको जिस तरीके से उनका पूरा सफर रहा है, सनातन धर्म का जो सफर रहा है इस देश में, वो तमाम चीजें 3D फिल्मों के जरिए यहाँ पे दिखाई जाएगी। 500 लोगों की बैठने की क्षमता वाला एक थिएटर यहाँ पे होगा, जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य जी की जो पूरी जीवनी है, जो उनका पूरा जीवन है, कैसे उन्होंने सनातन के लिए अब समर्पित कर दिया था, सनातन की अलग और उसको चेतना जगाने के लिए समर्पित कर दिया था, वो सभी उस थिएटर में फिल्म के जरिए दिखाया जाएगा। तो जब ये पूरा लोक बन के तैयार हो जाएगा करीब 2100 करोड़ रुपए की लागत से, तो यहाँ पे ना केवल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बल्कि इस ओंकारेश्वर शहर में ये अद्वैत लोक पर्यटक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक बड़ा केंद्र बन करके तैयार होगा। जी रवीश, तो देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से जो है वो भव्य ओंकारेश्वर में आदि गुरु की भव्य प्रतिमा का जो है लोकार्पण हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पे मौजूद हैं, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, वेदोच्चार के साथ, काफी सारे साधु संतों के साथ जो है ये लोकार्पण जो है
पूरा किया जा रहा है और ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण आज हो रहा है। तो ये तस्वीरें सीधा ओंकारेश्वर से। कई धातुओं से हुआ है इस प्रतिमा का निर्माण। 108 फीट ऊंची आदि गुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति है इसका कई धातुओं से बनकर ये तैयार हुई है और ओंकारेश्वर से लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां देख सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और मूर्ति का जो है अनावरण हो रहा है। ओंकारेश्वर में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। करीब 2100 करोड़ की लागत से बने इस प्रोजेक्ट में एकात्म धाम के अंतर्गत अष्ट धातु से बनकर ये जो मूर्ति है तैयार हुई है। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची एकात्मता की प्रतिमा जो है जिसको वननेस का नाम दिया है, स्टैचू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है, वो स्थापित की गई है। इसके साथ ही अद्वैत लोक नाम से एक संग्रहालय और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान भी बनाया गया है। तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। तो अब एक बार फिर से रुक करते हमारे संवाददाता रवीश का। रवीश, आगे के क्या कार्यक्रम है? इस वक्त जो तस्वीरों से हम देख पा रहे हैं कि खुद जो है मुख्यमंत्री जो है वो अनावरण के लिए ऊपर पहुंच चुके हैं, मूर्ति का अनावरण हो रहा है, वेदोच्चार मंत्रोच्चारण के साथ सभी पंडितों के साथ पूजा चल रही है और आगे के कार्यक्रम के बारे में हमें थोड़ा जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, अब आपको बता दें कि दरअसल ये जो पूरा कार्यक्रम अभी आप देख रही है ये यहीं तक सीमित रहेगा जो मूर्ति का लोकार्पण होगा। मूर्ति का लोकार्पण जब होगा तो उस समय आपको बता दें कि करीब देश भर से आए हुए जो साधु संत हैं उनके अलावा करीब 101 बटुक हैं वो मंत्रोच्चार करेंगे वेदों का और वेदों के उच्चारण के साथ ही शंखनाद के साथ इस मूर्ति का लोकार्पण हो जाएगा और इसके बाद जो है सभी साधु संतों जो हैं उनका स्वागत किया जाएगा केरल की पारंपरिक पद्धति से। ये स्वागत खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से होगा और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो लोकार्पण होगा, लोकार्पण खत्म होते ही इस मूर्ति के नीचे की तरफ आपको बता दें कि भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। इस मूर्ति के बिल्कुल नीचे ये जो नारंगी कपड़ा आप देख रहे हैं जो कवर है, दरअसल यहाँ पे एक बड़ा कमल का फूल है जो यहाँ पे तैयार होगा, उसके ऊपर ये पूरी मूर्ति खड़ी है। तो इसके ठीक नीचे की तरफ आपको बता दें कि भूमि पूजन जो है वो होगा द्वितीय चरण का, जो अद्वैत लोक यहाँ पे बनना है उसका भूमि पूजन शिलान्यास जो है वो इसी मूर्ति के ठीक नीचे भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है वहां पे होगा। इसके बाद सभी जो साधु संत हैं उनको लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो प्रसाद स्थल बनाया गया है वहां पहुंचेंगे, भोजन प्रसादी उनको वहां पे उनको वितरित की जाएगी और इसके बाद मूर्ति स्थल से ब्रह्मोत्सव जो यहाँ जहाँ पे कार्यक्रम होना है, जहाँ पे मुख्य कार्यक्रम होना है, जहाँ पे शिवराज सिंह चौहान और तमाम साधु संत जो है एक साथ वहाँ इकट्ठा होंगे, वहाँ पे सिद्धवर कूट करके एक जगह है ओंकारेश्वर के पास करीब 18 किलोमीटर दूर, वहाँ पे शिवोहम कार्यक्रम जो है वो रखा गया है जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो वहाँ रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहाँ पे एकात्मता यात्रा की जो फिल्म है उसको प्रदर्शन होगा, वो खुद उसे देखेंगे। वहाँ पे गायन होगा, शंकर संगीत वहाँ पे किया जाएगा, विश्व में शांति हो उसका पाठ होगा और संतों के साथ सरकार की जो है वो विमर्श होगा, संत विमर्श वहाँ पे रखा जाएगा, संतों का आपस में विचार विमर्श और कैसे अद्वैत लोक को आगे बढ़ाया जाए, ओंकारेश्वर को कैसे एकात्म मानववाद की एक भूमि के रूप में जाना जाए, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे संतों के साथ बातचीत में तय की जाएंगी। तो ये कार्यक्रम है और इसके बाद शिवराज सिंह चौहान का संबोधन है शाम को करीब 5 बजे, जिसके बाद आज का दिन जो है यहाँ पे खत्म करके शिवराज सिंह चौहान वापस भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। जी रवीश, तो आप बने रहिए हमारे साथ और एक बार फिर से रुक करते हैं महाराज चंद्रांशु जी का। महाराज जी, आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा होगा कि किस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, वेदोचार मंत्रोच्चार के साथ जो है पूरे विधि विधान से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो पूजा कर चुके हैं और अब जो है थोड़ी देर में ही जो है अनावरण जो है वो मूर्ति का हो जाएगा। तो 101 बटुकों द्वारा वेदोच्चार चल रहा है, किस तरह की पूजा हो रही है
जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। वेद मंत्र मुनिवर उच्च रही, जय 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 शंकर फुर कर रही। तो कोई कार्य अगर शुभारंभ होता है या उसको पहले पूजा की ही पद्धति है। सर्वप्रथम कोई भी हम शुभ काम करते हैं तो हमारे सनातन धर्म में प्रथम पूज गणेश भगवान गौरी गणेश के पूजन से ही शुरू करते हैं, और उसकी मूल अवधारणा जो है सनातन वैदिक सनातन संस्कृति जो है उसमें पूजा का ही विधान है। पहले अपने आराध्य का पूजन करने के बाद भी कोई नया कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो आज भगवान शंकराचार्य जी के मूर्ति का अनावरण है और वो एक युग दृष्टा का आज मूर्ति का अनावरण हो रहा है। तो निश्चित तौर पर बहुत अभी मैं सुन भी रहा था कि जो चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम की जो अवधारणा है उसकी भी गोष्ठी रखी हुई है, संतों का विमर्श रखा, संतों का विचार विमर्श है आपस में, उसमें वो लोग चर्चा करेंगे। तो जो शंकराचार्य भगवान के द्वारा अपने सनातन संस्कृत के लिए आत्मोद्धार के लिए जो भी उन्होंने राष्ट्रहित में किया था वो सारे के सारे विषय आएंगे, संतों के विचार विमर्श आएंगे। तो निश्चित तौर पर जो कुछ भी आएगा, पूजा पाठ से आत्म कल्याण होता है, आत्म शांति होती है। और एक और भी बड़ी बात आपको कहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, ये 21वीं शताब्दी चल रही है और इस 21वीं शताब्दी में आप देखते हैं कि हम चांद चंद्रमा तक पहुंच गए, मंगल तक ग्रह तक पहुंच गए, हम इन तक तो पहुंच गए पर जीवन में मंगल कैसे आएगा, जीवन सुखी कैसे होगा, जीवन में मंगल कैसे हो, इसका मंत्र कोई बताएगा तो शंकराचार्य भगवान का जो एकात्मवाद की जो अवधारणा है और उनके जो शिवोहम शिवोहम की जो अवधारणा है वो उसी से मिलना है। तो ये जो प्रचार प्रसार विमर्श कर रख रहा है निश्चित तौर पर इसकी मूलभूत अवधारणा यही है कि अध्यात्म के बिना दुनिया में कोई शांति, कितने भी आधुनिक संसाधन हम जुटा लें, कितने भी भौतिक संसाधन जुटा लें, पर जब तक हम लोग आत्म शांति आध्यात्म के पथ पर नहीं बढ़ेंगे तब तक आत्मा की शांति मिल नहीं सकती, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती, उसके लिए ये सारे कार्य रखे हुए हैं। जी पंडित जी, महाराज जी, ये जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं इनको शंकर जी का जो है वो स्वरूप माना जाता है और इसीलिए जो स्टैचू ऑफ वननेस का जो है आज नाम दिया गया है, आज इसका अनावरण हो रहा है, तो इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अद्वैत आश्रम, वो शंकराचार्य जी की मूलभूत जो अवधारणा थी वो एक विषय पर ही थी, वो अभेद रूप से स्वीकार करते थे, वो भगवान को जीवात्मा परमात्मा को अलग नहीं मानते थे। और सनातन संस्कृत की मूल अवधारणा देखेंगे तो उसको इससे ही छुपी हुई है, वो इसी से निसरित हुई है। आप देखेंगे वो सनातन संस्कृत वाले लोग जब बोलते हैं तो यही कहते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम् अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्। वह पूरे विश्व को, पृथ्वी में रहने वाले संपूर्ण विश्व को एक अपना परिवार मानते हैं, वह भेदभाव नहीं मानते। इसलिए सनातन संस्कृत का जो मूल मंत्र आप देखेंगे उसमें है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मूल अवधारणा में न जाति आती, न पांत आती, न वर्ग आता, न कोई समाज आता। जब सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलता सनातन धर्मावलंबी तो वह सभी को सुखी होने की कामना करता है, सर्वे संतु निरामया सबको निरोगी बनाना चाहता है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सबका कल्याण देखता है, और मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् सब सुखी हो, कोई दुखी ना हो, उसकी मूल अवधारणा यही रहती है। तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि ये जो अवधारणा चल रही दिखाई पड़ रही है और वो जो उपासना पद्धति में उन्होंने कहा, जो उपासना पद्धति में कहा भज गोविंदम भज गोपालम गोविंदम भज मूर्मते, भगवान के आप भी जानती है कि अनेक नाम है, अनेक नामों से भक्त भगवान को याद करता है, पर उन्होंने जो स्मरण करने के लिए शंकराचार्य भगवान ने कहा वह कहा भज गोविंदम भज गोपालम गोविंदम भज मूर्मते। गोविंद ही नाम क्यों लिया, ये भी एक आध्यात्मिक रहस्यमय है। गो मतलब होता इंद्री, इंद्री को निग्रह करके उस गोविंद भगवान के चरणों में आप प्रीति करो, स्मरण करो, मन कहीं और हो, वचन कहीं और हो, तो फिर कहीं वो अनुभूति हो नहीं सकती, उपासना हो नहीं सकती। इसलिए उन्होंने गोविंद शब्द का उच्चारण किया, गोविंद नाम भगवान, इंद्रियों को बस करके भगवान का स्मरण करो, ऐसा उन्होंने कहा पूजन पद्धति में। अब पूजा में आप देखेंगे आज वहां पर 108 बटुक ब्राह्मणों के द्वारा पूजन हो रहा है, पूजा करने वाला व्यक्ति का मन ही, आपने कहा विस्तार से बताइए, अगर मन ना हो, पूजा में बैठा है मन कहीं और चल रहा है तो कुछ भी नहीं मिल सकता उसमें, मन पूजा में ही हो एकाग्र हो तो ही फल मिल सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ बोलते हैं कि मनस अन्यत वचस अन्यत कर्म अन्यत दुरात्मना,
अगर मन कहीं और लगा है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, वह दुरात्मा है। मनस एकम वचस एकम कर्म एकम महात्मनाम, जिसका मन एक है, वचन एक है, कर्म एक है, वही वास्तव में महात्मा है। तो निश्चित तौर पर यह पूजा की पद्धति, ये सनातन संस्कृत, यह एक दूसरे के पूरक हैं। और शंकराचार्य भगवान का जो विचार है, जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है, वह भी एक पूरक के तरीके सनातन संस्कृत का मूलभूत आधार है। जी महाराज जी, तो ये जो 108 फीट ऊंची आदि गुरु शंकराचार्य की जो प्रतिमा है, ये 12 साल के बाल स्वरूप की प्रतिमा जो है ये बनाई गई है, जो अष्ट धातु से तैयार की गई है, और एकात्मता की प्रतिमा जो है उसे नाम दिया गया है। इसके साथ ही अद्वैत लोक नाम से एक संग्रहालय और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान भी जो है वो बनाया गया है। तो महाराज जी, आपसे जानना चाहूंगी अद्वैत लोक के बारे में। अद्वैत अद्वैत लोक का मतलब वो जो अभी वहां पर जो शिक्षा अध्ययन होगा, जो अध्ययन अध्यापन का कार्य होगा, वही निश्चित तौर पर शंकराचार्य भगवान के जो मूल अवधारणा थी, जिस विषय को लेकर के समाज के कल्याण के, देखिए ज्ञान का मतलब वह नहीं होता जो राष्ट्र निर्माण में कार्य नहीं आए, जो राष्ट्र के विनाश में काम आए वह ज्ञान नहीं हो सकता। अब कुछ ये एक तरह से आप देखेंगी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने इतने महान ज्ञान का प्रचार उस रूप में नहीं हो रहा, जबकि जो देश में हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, वर्ग विशेष को काफिर समझने वाले लोग हैं, वो बहुसंख्यक समाज के ऊपर तरह तरह की त्रासदी दे रहे हैं, तरह तरह की परेशानी दे रहे हैं, वो बैन नहीं हो रहे हैं, जबकि शंकराचार्य भगवान जैसे विशद महाभाष्यों का प्रचार प्रसार आज तक नहीं हो पा रहा है। जिस उद्देश्य से उन्होंने राष्ट्र निर्माण का कार्य किया, जिस तरह से लोक कल्याण किया, समाज का काम किया, जिस तरह से देश को जोड़ा, तो जैसे एकत्रित नहीं किया उसको, अब जब जग जाए तभी सवेरा, तो निश्चित तौर पर वो जो स्थापना हो रही है वो सब इन्हीं विचारों को लेकर के हो रही है।